दोस्तों, आज सिर्फ आपको एक ही चीज़ के बारे में बताऊंगा। आपका रॉकेट बनकर औरत की शर्मगाह के अंदर नफ्स ना गया तो मुझे पकड़ लेना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आप दोस्तों को हंसता और मुस्कुराता रखे और आप दोस्तों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाते रहें। अपने चैनल एजुस्टेशन उर्दू इन्फो में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज आपको दोस्तों मैं बताऊँगा कि एक खजूर की मदद से आप ऐसा टोटका तैयार कर सकते हैं जिससे आपके तनासुल के अंदर फौरन लंबाई पैदा हो जाएगी। आपकी जो टाइमिंग है वो तकरीबन 40 मिनट से ज़्यादा हो जाएगी। आपका नफ्स पूरी तरह से छौनी पर अपना कब्ज़ा जमाई रखेगा और एक मिनट के लिए भी आपके नफ्स में डलाई पैदा नहीं होगी। वो एक मिनट के लिए भी ढीला नहीं होगा। ऐसे दोस्तों खड़ा रहेगा जैसे चारपाई का पाया होता है, उसकी सख्ती इसकी मानद हो जाएगी। सख्ती तो टूटने का नाम ही नहीं लेगी। आप तो कमाल का आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल एजुस्टेशन उर्दू इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि मज़ीद इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप दोस्तों को मिलते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आपने लेनी है खजूरें। 2 से 3 अदद आपने खजूरें ले लेनी हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको चाहिए बीज गंदम के, इनको दोस्तों सीड्स भी बोला जाता है। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे और आपको जनरल स्टोर से भी ये मिल जाएंगे। 2 चम्मच आपने इसके ले लेने हैं और उसके बाद आपने 1 गिलास पानी ले लेना है और इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से आपने इनको ब्लेंड कर लेना है हत्ता कि ये जूस की शेप में आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको किसी गिलास वगैरह में डाल लेना है, उसमें महफूज करें और इसके ऊपर 1 चम्मच आपने शहद की डाल लेनी है। कोशिश करें शहद आपको खालिस ही मिले। फिर दोस्तों इसको ज़रा ठंडा करने के लिए, इतना ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ठंडा करने के लिए इसको आपने फ्रिज में रख देना है और इसको फिर आप दिन में किसी भी वक्त एक दफ़ा पी लें। बस आप एक दफ़ा इसको पी लें और 3 से 4 दिन तक आपने इसको पीना है। शुगर वाले जो मरीज़ हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें भी कमाल की टाइमिंग आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप में ऐसी तंदी और सख्ती आपके नफ्स में आ जाएगी कि आप एक तो छोड़िए 10-10 औरतों को सैराब कर सकते हैं। आपका जो नफ्स है फिर भी गर्म ही रहेगा, सख्त ही रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दें, फिर नए वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।